कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी तो इट्स स्टार्टेड फ्रॉम देर वीकेंड के बार पे सर ने बोला कि एक कोई लड़ कोई गर्ल आती है जो आयशा है और वो आके आपको टोंट भी मार देती है उसके बाद मेरी उनसे अंदर बात हुई एंड आई क्लैरिफाइड विद हर एंड उन्होंने कहा कि मैं काम करती हूँ मैं आपसे बात ही करना बंद कर देती हूँ और मैंने उन्हें बोला कि आयशा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुझसे बात ही करना बंद कर दो आप उसकी फ्रेंड हो लेट्स नहीं नहीं। जी जो भी है और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है आई थिंक मैंने आयशा के बारे में ये चीज़ डेफिनेटली बोली क्योंकि ये मैंने बात मुनवर को भी बोली कि अगर मैं एक इंसान हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं शायद वेट करती उस इंसान के बाहर आने का मैं इस तरह से एक डेस्परेट अटैम्प्ट लेके घर के अंदर नहीं आती जस्ट किसी के uh, कह सकते हैं किसी के शोल्डर पे वट इफ़ आप फेमस नहीं होते तो भी वो कदम ऐसे लेते बिकॉज मुझे ये पता है कि मुनवर आप ऐसे नहीं हो, तो यही चीज़ वीकेंड के बार पे हुई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो वट एग्जैक्टली कैरेक्टर पे बात मैंने करी है कोर्स वॉन भी मैंने उन्हें तब बोला जब उन्होंने मिर्ची के टास्क में जहाँ पे अंकिता और ईशा थी जो हम पे थोड़ा बहुत पानी भी डाल रही थी वेरअस आयशा वॉज लाइक कि उसको सिर्फ मिर्ची ही डालनी थी एन आई वॉज लाइक आयशा ऐसा मत कर प्लीज़ मत कर प्लीज़ अंडरस्टैंड कर और भी लोग थे उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग uh, के आठ या दस मिनट सिर्फ मुझे ही टारगेट किया बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये वीक है गिर जाएगी एंड आई वॉज लाइक कि मत कर तो जैसे ही मैं नहा कि आई हैोल दिस आई टोल्डर कि आयशा इतना भी डेस्परेशन ज़रूरी नहीं है शो के लिए आप आराम से भी जा सकते हो तो शी वॉज लाइक तो क्या करती मैं मुझे भी पहुंचना है टॉप फाइव में मुझे भी पहुंचना है एंड देन हम लोग जस्ट बैठे थे एंड अभिषेक ने अंदर बोला कि एक हफ़्ते पहले तो ये लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तो घर से चली भी जाऊं और आप इसको सीधा टॉप फ़ाइव में पहुँचना है तो दैट्स व्हेन आई सेड कि इतना भी वन अभी बनना पसंद नहीं है एंड देन थिंग्स एस्केलेटेड

और वो एक्चुअली जो दिखा रही है इट इज जस्ट प्रोबेबली शी इज़ नॉट रियली फीलिंग इट या इनके बीच में कुछ है कुछ नहीं है एंड देन वी हैड अ फाइट तो सर ने बोला आपको ये स्क्रिप्टेड लगता है मैंने बोला हाँ किसी लेवल पे ये फोटेज और स्क्रिप्ट के लिए लगता है सो आई थिंक इट वॉज कैरेक्टर के बारे में ये था उसके अलावा खानजादी इज अ टैलेंटेड गर्ल जी आप होता आपको क्योंकि मेरे साथ हुआ है जब मनारा को किसी से प्रॉब्लम होता है मनारा उसके बारे में इतना गंदा बोलती है इतना गंदा बोलती है जिसकी कोई हदें नहीं होती जी, जी, ये मुनवर खुद मेरे दोस्तों कर उन्होंने मेरे लिए सुनी है बातें लेकिन लेकिन जब मनारा का ठीक ठीक हो जाता जाता है 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 तो वो वो तुरंत कोई दूसरा उनको मिल जाता है। और जो मुनावर के करीब होता है जैसे कि मैं पहले थी तो उनको मुझसे प्रॉब्लम आयशा से प्रॉब्लम कॉन्वर्जेशन की प्रॉब्लम नहीं है जब मुनवर शेयर करता है अपना अटेंशन किसी और तो आपको प्रॉब्लम होती है बट में सिर्फ हमेशा मनारा को एक चीज बोलती है जब अगर प्रॉब्लम है तो

बस बस चाटो, बस ये सब इन्होंने so okay. रही।, रही है जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा आप टूटे बिखरे आप शांत रहे फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ एक बार इस बार तो लगा था कि शायद मुनावर बिखर जाएंगे पर एक दो एपिसोड से हमें वापस मुनावर उठते हुए दिखे और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़ कर आऊँगा तो ये टनल तक छोड़ कर आऊँगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है तो ट्रॉफ़ी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में देखो तो, कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं गाली देते नहीं मार सकते नहीं तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है घर से बाहर निकालना तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई तेरे को अब मैं तूने मेरे साथ ये किया तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू बिखर चुका है ये वो तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो कि जितना भी टूटा हुआ हो ना मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है आ, मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लैक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं मैंने उस चीज़ का फ्लैक्स कभी नहीं किया क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते ना कि तेरे जिसम का गुमान मत कर सिकंदर जैसे शाह की भी कबर किसी को नहीं पता कहाँ है तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना वो प्यार है कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है अभिषेक आपने आपकी मम्मी आई तो, मम्मी तो।, मम्मी तो।, तो। जी 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 सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन आप सबको दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए मेरा सवाल मुनावर आपसे पहले है yes, Uh, मुनावर जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है स्पेशली जब से आयशा आई है मुझे ऐसा लगा कि आपकी गेम और आपकी इज्जत दोनों को बहुत भारी नुकसान हुआ है अभी आप काफी मुझे फ्लेक्स दिख रहे हैं आपकी गेम भी कुछ दिनों से अच्छी दिख रही है बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मन में डर जरूर होगा बिकॉज जब आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत लोगों को फेस करना होगा बहुत सारे जो एलिगेशन को क्लियर आउट करना होगा बहुत जो नाम यहाँ पे उछाले गए थे उन सबको भी आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी होगी और जाहिर सी बात है जैसी एक इज्जत या जैसी एक इमेज पहली रही थी वो अब वैसी नहीं रहेगी वॉट यूट से अबाउट इट Uh, जैसे मैंने कहा कि जब चीज़ों ने मुझे लो किया और कहीं ना कहीं मैं इस गेम पे आ गया है, तो वही याद बॉस की बात के बुखार है सो नहीं सकता दवाई लेके घर पे आ, आ काम पे आ तो मैं काम पे हूँ यहाँ पे इसलिए मैंने उस चीज़ को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी आ, मैं मेंटली कहीं पे भी हूँ कुछ भी फील कर रहा हूँ बट मुझे ऑलवेज़ रहता है कि बाहर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाकर बहुत ही आ, शिद्दत से सॉर्ट करनी पड़ेगी मेरे लिए और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता वो मुझे जिस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता मुझे उसके लिए बाहर जाना होगा यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है आप निहत्थे हो हर तरह से तो यहाँ जो मुझे अभी ठीक करना है वो मेरा गेम है मैंने उस गेम को सही करने की पूरी कोशिश की एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे मैं सच में बिखर गया था और सच में बहुत बुरी तरह बिखर गया था और बाहर रही बात चीज़ों की तो इंसान का जब नुकसान होता है एक बिल्डिंग जो होती है आप बनाते हो और वो बिल्डिंग गिर जाती है तो वही है वो बिल्डिंग वापस बनाने की मेहनत है तो जज्बा बचा है वो बिल्डिंग वापस बनाने का यस तो मैं वो वापस बनाऊंगा और वापस वो बिल्डिंग बनाऊंगा और ऊपर छज्जे पे चढ़ के वापस नाचूंगा तो ऑल द बेस्ट मुझे कहिएगा उसके लिए श्योर sure. uh, विकी भाई आपसे एक सवाल है एक सवाल भी है और आपके लिए एक परसेप्शन है अंकिता मैं एक कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे बहुत बात हो रही थी कि मनारा और इनकी जो दोस्ती को लेके कहीं ना कहीं जो एक जैसे इनका एक वर्ड है वाइब वाइब भी है और भी होता है तो कहीं कही ना कहीं विकी भाई ये हमने देखा है कि जब ऐसे मोमेंट्स आए थे जब आपको ऐसा लगा कि स्पेशली आप अंकिता मुनारा की अच्छी नहीं लग रही यू आर फीलिंग वेरी जेलस और यही रीजन है कि आपका और मनारा के साथ थोड़ा वाइब ज्यादा मैच हो गया बिकॉज जो आपको एक शायद जो सपोर्ट या जो एक आपको पॉजिटिविटी चाहिए थी वो आपको अंकिता से नहीं मिल रही थी आपको मनारा से मिल रही थी हाउ मज यू विद दिस नहीं नहीं नॉट एट ऑल सिर्फ सिर्फ मुनव मुनाव्वर और तेरी और, और अंकिता आपने बोला ना इनकी दोस्ती मुनावर सी मुनावर अंकिता से कभी मुझे जेलिसी नहीं हुई मैंने कभी रोका नहीं उनको मैंने हमेशा उनको उनकी स्पेस दी बट मैंने ये उनको हमेशा समझाया जब मुझे क्योंकि मैं सी थोड़ा सा समझ मुझे इंसानों की मुझे भी है सिर्फ ऐसा नहीं कि बाकी लोग समझदार हैं यहाँ पे मुझे जब मुझे मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे थोड़ा सा मुनवर के मुझे कुछ स्ट्रेट चूँकि सबसे पहले जब मुझे एक पपेटियर टास्क में फिफ्थ में जब मेरे पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था और थोड़ा सा मेरी छवि को मैनिपुलेटिव ये सब थोड़ा सा मुझे कहा गया था उसके मुझे मैं और मुन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उस टेप पे एक स्टेप बैक लिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी तो उन्होंने अपने गेम के लिए थोड़ा सा मुझसे साइड किया था जो मैंने कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को वोकल होकर मतलब मैं ये बताता नहीं कि आपने गलत किया आपने गलत किया उस टाइम तक तो वो स्टेप बैक ले लिया अंकिता फिर भी उनके साथ उतने अच्छे से दोस्त थी मेरा शायद किसी से बातचीत उस टाइम पे नहीं होती थी मतलब वीक पे उसके बाद भी मैंने कभी अंकिता को किसी से फ्रेंडशिप करने नहीं रोका उसकी सबसे बातचीत होती थी इससे मेरा डिफरेंस था बट उसने अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू की तो यही चीज मैं हमेशा अंकिता को बस बोलता रहता था कि जब मैंने आपको हमेशा हर तरह की स्पेस दी है स्पेस देने के साथ साथ वो ट्रस्ट हमेशा आपको फील कराया है कि आप किसी से भी अपने हिसाब से दोस्ती रख सकती है तो जब मेरी बारी आती है अगर मैं किसी से

मनारा के साथ और सी मेरी हमेशा ये मेरी बाहर भी ऐसा मैं इंसान हूं कि अगर मुझे लगता है कि किसी को मेरी जरूरत है जब भी मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अपसेट है और अगर मैं उसके पास जाके कुछ कह के उसको कैसे भी थोड़ा अपलिफ्ट फील कर सकता हूं तो मैं अप करवा सकता हूं तो मैंने हमेशा इस शो में किया चाहे बाबू भैया हो अनुराग हो कहीं जब जो लोग गया मैं उसके पास अपनी तरफ से गया हूं और जब वो हाई हो जाता है ऐसा नहीं कि मैं उनसे डिमांड करता हूँ तो मेरे फ्रेंड रहो और पूरे टाइम मेरे साथ बैठो सो मेरी आदत रही तो मनारा जब मुझे जेनविनली लो लगी उस टाइम मैं ईशा समर्थ बच्चे जो